और दिल्ली से बड़ी खबर, जहां पर एनसीईआरटी की किट्स में ई टेंडरिंग का घोटाला सामने आया है। नियमों को ताक पर रखकर यहां पर घोटाला किया गया है, अयोग्य कंपनियों को टेंडर दिया गया और इसमें डायरेक्टर और अधिकारियों की मिलीभगत से ये बड़ा घोटाला किया गया है। जिन कंपनियों को टेंडर दिया गया है उनको एनसीईआरटी के काम का कोई अनुभव नहीं है और ये सभी कंपनियां फर्नीचर बनाने का काम करती हैं। और दरअसल इस पूरे मामले में खबर ये है कि एनसीईआरटी की किट्स की ई टेंडरिंग को लेकर जो बड़ा घोटाला हुआ है और बताया तो ये जा रहा है कि नियमों को ताक पर रखकर एनसीईआरटी किट्स की ई टेंडरिंग एनसीईआरटी के डायरेक्टर और कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से कर दी गई है। गुजरात की कुछ निजी कंपनियों को ये टेंडर दिया गया है और इन कंपनियों के पास एनसीईआरटी किट्स का टेंडर दिया गया है, कोई अनुभव नहीं है इसके पहले, इनके पास इस काम का कोई अनुभव नहीं है। इंद्रसेन यादव हमारे साथ, हमारे संवाददाता। इंद्रसेन, एनसीईआरटी को लेकर सरकार काफी सख्त नजर आती है, हर जगह हर राज्य में होता है कि भाई एनसीईआरटी को लागू किया जाए, सब कुछ किया जाए, लेकिन यहां पर उसका टेंडर ऐसे कंपनियों को दिया गया जिनको इसका अनुभव नहीं है, क्या बड़ा घोटाला इसमें? निश्चित रूप से अंजनी, जिस तरह से एनसीईआरटी में ये घोटाला सामने आया है, मैं आपको बता दूं कि ये पूरा जो मामला है राजधानी दिल्ली से जुड़ा हुआ है। और आपको बता दूं कि कुछ कंपनियां हैं जो पहले से एनसीईआरटी का काम करती थी, जो किट्स बनाती थी, क्योंकि नर्सरी क्लास से लेकर जो 12वीं क्लास तक के जो सरकारी स्कूल होते हैं वहां पर ये किट्स पहुंचाई जाती हैं। एक बहुत लंबा चौड़ा खेल होता है और अब नियमों को ताक पर रखकर ये पूरा जो गेम है वो पलट दिया गया है। मैं आपको बता दूं, गुजरात की कुछ कंपनियां हैं और उनको निजी फायदा पहुंचाने के लिए अंजनी उनको ई टेंडरिंग के द्वारा ये जो टेंडर है वो दे दिया गया है और जो कंपनियां पहले से इस पूरे एनसीईआरटी का जो काम कर रही थी उन कंपनियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। हालांकि जो कागजात मिले हैं उन कागजों में साफ साफ दिख रहा है अंजनी कि जिन कंपनियों को टेंडर दिया गया है वो कंपनियां फर्नीचर का काम करती हैं और उनको एनसीईआरटी के काम की कोई भी अनुभव नहीं है। हालांकि टेंडर उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो लोग पहले से एनसीईआरटी का काम कर चुके हों, उन्हीं को दिया जाता है, लेकिन बावजूद उसके डायरेक्टर और कुछ अधिकारियों को मिली भगत से जो ई टेंडर है वो गुजरात की कुछ निजी कंपनियों को पहुंचा दिया गया। तो निश्चित रूप से एक बड़ा खेल चल रहा है एनसीईआरटी में, जिसको लेकर प्रधानमंत्री तक शिकायत की गई है, सीबीआई से शिकायत की गई है अंजनी। हालांकि विजिलेंस की जांच इस पूरे मामले पर चल जरूर रही है लेकिन कार्रवाई के नाम पर अब तक कुछ भी नहीं किया गया है। इनसेन सवाल यह भी उठता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चाहते हैं कि भाई टेक्निक से लोग जुड़े, ई टेंडरिंग की व्यवस्था उन्होंने इसे इसीलिए किया था कि भाई यहां पर हर कोई आवेदन कर सकता है, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स देने के बाद जो योग्य होगा उसको टेंडर दिया जाएगा। तो यहां पर ये माना जाए कि प्रधानमंत्री और सरकार की मंशा पर भी ये अधिकारी और कर्मचारी जो मिलीभगत करके उनकी मंशा पर भी सवाल उठा रहे हैं, चाहे नॉर्मल टेंडर की बात कर लें चाहे ई टेंडर की बात कर लें, जो अधिकारी हैं जो बाबू हैं उसमें खेल करेंगे ही। निश्चित रूप से अंजनी, ई टेंडर चलाया ही इसीलिए गया था, उसको प्रावधान में लाया इसीलिए गया था कि पहले इस तरह के जो खेल होते थे, जबरन जो टेंडर है वो बाहुबली टाइप के जो लोग होते हैं अपना रसूख दिखाकर वो टेंडर ले लेते थे और ई टेंडरिंग को इसीलिए धरातल पर लाया गया था कि जो साफ सुथरी टेंडरिंग हो सके और काम अच्छा हो सके। लेकिन अब ई टेंडरिंग में भी धांधलेबाजी होने लगी है। जिन कंपनियों को, जो गुजरात की चार कंपनियां हैं जिनको टेंडर दिया गया है अंजनी, उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है और उन लोगों को एनसीईआरटी का टेंडर दे दिया गया है, तो कहीं ना कहीं नियमों को इसमें इंद्रसेन सवाल ये उठता है कि आखिर किसकी सह पर इनको टेंडर दिया गया, क्या इसमें एनसीईआरटी के डायरेक्टर, उसमें कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनके नाम प्रथम दृष्टया सामने आ रहे हैं कि भाई इनकी मिलीभगत से यह घोटाला किया गया है? देखिए, जो एनसीईआरटी के डायरेक्टर हैं सबसे पहले उनकी मिलीभगत सामने आ रही है, जो शिकायत करता है उन लोगों ने पीएमओ से लेकर सीबीआई, विजिलेंस, दुनिया भर की ऐसी कई संस्थाएं हैं जहां पर शिकायत की गई, लेकिन अंजनी कार्रवाई का आश्वासन दिया गया लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ किया नहीं गया। विजिलेंस की एक जांच चल रही है इस पूरे मामले पर, लेकिन सबसे बड़ी बात अंजनी इसमें यह है कि अगस्त में टेंडर दोबारा होना था लेकिन डायरेक्टर की मिली भगत से उस टेंडर को एक्सटेंड कर दिया गया जो कि नियमों के खिलाफ है। अगर टेंडर की डेट दोबारा आती है और टेंडर किसी का जो पहले से चल रहा है वो खत्म हो जाता है तो आपको ई टेंडर के जरिए दूसरी कंपनियों को मौका देना चाहिए, लेकिन सिर्फ और रसूख के चलते और इस ई टेंडर को दोबारा उन्हीं चार कंपनियों को एक्सटेंड कर दिया गया जो पहले से इस ई टेंडर पर गलत तरीके से कब्जा जमाकर बैठी हुई। तो निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री को भी इस पूरे जो ये पूरी घटना है उस पर देखना होगा, क्योंकि एक बड़ा घोटाला है अंजनी, 500 से लेकर 1000 करोड़ तक का ये पूरा खेल होता है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा घोटाला सामने जरूर आया है।
बिल्कुल बड़ा घोटाला है। उनसे ये भी समझना चाहेंगे कि जो कंपनियां जो इसके पहले जिनको टेंडर इसका मिला था कि ये किट्स बनाने का, अब सवाल ये उठता कि क्या उन सभी कंपनियों को इस बार इस टेंडर प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया था, एकदम से नई कंपनियों को ये पूरा मौका दिया गया? निश्चित रूप से अंजनी, जो पुरानी कंपनियां थी जो पिछले 5 साल 10 साल से बकायदा काम कर रही थी और जिनको एक्सपीरियंस था, क्योंकि ई टेंडर में पूरा एक प्रोसेस होता है कि एक प्रावधान होता है कि जिन कंपनियों ने पहले से काम किया हुआ है एनसीईआरटी का, उन्हीं कंपनियों को यह टेंडर दिया जाएगा। लेकिन जो पुरानी कंपनियां थी जो पहले से काम कर रही थी, उन कंपनियों को एकदम से बाहर का रास्ता दिखाया गया और अचानक एक गुजरात की 4 कंपनियां सामने आती है और उन 4 कंपनियों को ये टेंडर दे दिया जाता है। अगस्त में इस पूरे टेंडर की जो डेट है, 2016 में टेंडर जारी किया गया था, लेकिन अगस्त 2018 में ये टेंडर दोबारा रिन्यू होना था, खत्म होना था, यानी कि एक नए सिरे से जो नई कंपनियां हैं वो अपना आवेदन जारी कर सकती थी। लेकिन डायरेक्टर की मिली भगत से उस टेंडर को एक्सटेंड कर दिया गया उन्हीं पुरानी कंपनियों को, तो निश्चित रूप से एक मिली भगत चल रही है और देखना होगा विजिलेंस की जो जांच चल रही है उसमें क्या कुछ निकल कर आता है। हालांकि इस पूरे मामले पर शिकायतकर्ता जो है उन लोगों ने आरटीआई भी लगाई थी, लेकिन आरटीआई में भी कुछ साफ जवाब नहीं आया। हालांकि जब उसमें पूछा गया आरटीआई में कि आपके पास ई टेंडरिंग को लेकर कितनी शिकायतें हैं, तो बकायदा आरटीआई में जवाब आया, जो दस्तावेज जनतन टीवी के पास मौजूद है उसमें कहा गया कि हमें खुद नहीं पता कि हमारे पास कितनी कंप्लेंट्स इस पूरे मामले में आई है। तो निश्चित रूप से एनसीईआरटी में एक बड़ा खेल चल रहा है, जो एचआरडी मिनिस्टर है उनको खुद इस पर ध्यान देना होगा